पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 119। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरे चितौनियों को पकड़े हूं। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूं। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूं, हे यहोवा, मेरी आशा न तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ा। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूं, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा।
और संकोच न करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर, जिनसे मैं प्रीति रखता हूं, हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्टे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूं। जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं, वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी हैं। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फूर्ति की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूं, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूं। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया है, पटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरे आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरें, तब वे तेरी चितौनियों को समझ लेंगे। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा न हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं, और मैं कहता हूं कि तू मुझे कब शांति देगा, क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे पड़े हुओं को दंड कब देगा। अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं,
तेरी सब आज्ञाएं विश्वासयोग्य हैं। वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं, तू मेरी सहायता कर। वे मुझको पृथ्वी पर से मिटा डालने ही पर थे, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी दी हुई चेतौनियों को मानूंगा। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूं, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूं। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चेतौनियों पर ध्यान करता हूं। जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं, उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतौनियों पर लगा है। मैं पूर्णियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। मैंने अपने पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर, और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चेतौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। मैं दुचित्तों से तो बैर रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, उन सबको तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है, इस कारण मैं तेरी चेतौनियों से प्रीति रखता हूं। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है, और मैं तेरे नियमों से डरता हूं। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है,
तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में न छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामीन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाए। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्ममय वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार वर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। वो समय आया है कि यहोवा काम करें, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कि यहोवा काम करें, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूं। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूं और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। तेरी चितौनियां अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपनी जी से लगाए हुए हूं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हांफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी और भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दें। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूं, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और सकेती में फंसा हूं, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं। तेरी चितौनियां सदा धर्ममय हैं। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं। हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत है, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। और मेरे सताने वाले बहुत है, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। देख मैं तेरे नियमों से कैसे
प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूं और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूं। मैं तेरी चेतौनियों को जी से मानता हूं और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूं। मैं तेरे उपदेशों और चेतौनियों को मानता आया हूं, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे समुख प्रकट है। हे यहोवा, मेरी दोहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुंह से स्तुति निकला करें, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूं। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा। तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। और मेरे सताने वाले बहुत है, परंतु मैं तेरी चेतौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। देख,